हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडी। आज है 25th ऑफ जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिसीव द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन 2024। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्राप्त होगा या किसे प्रदान किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा या फिर पीवी सिंधु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओलंपिक कमेटी के द्वारा अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, अभिनव बिंद्रा, अ रेनाउंड इंडियन शूटर, हैज बीन ऑनर्ड विद द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फॉर हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट। सो द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द 142nd इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन इन पेरिस ऑन अगस्त 10, 2024, जस्ट बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स। सो इस अवार्ड की बात करें तो द ओलंपिक ऑर्डर इज द हाइएस्ट अक्लॉर्ड गिवन बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल्स हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल सर्विस, मेरिट और कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक कॉज थ्रू पर्सनल अचीवमेंट और डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से जिन्हें सम्मानित किया जाएगा वो है अभिनव बिंद्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2024। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, 2024 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं लल्यान ज्वाला चांगते और इंदुमती काथिरेशन, सुनील छेत्री एंड अदिति चौहान, संदेश झिंगन एंड मनीषा कल्याण या फिर गुरप्रीत सिंह संधू एंड बाला देवी। आपको बताना है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो पुरुष वर्ग में ये अवार्ड दिया गया है लालियान ज्वाला चांगते को और वुमेन्स में इंदुमती काथिरेशन को। आप यहाँ देख सकते हैं, सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिसेंटली हेल्ड इट्स एनुअल अवार्ड सेरेमनी रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन इंडियन फुटबॉल फॉर 2023 एंड 2024 सीजन। सो द टॉप ऑनर्स वेंट टू लल्यान ज्वाला चांगते एंड इंदुमती काथिरेशन, हु वर नेम्ड द मेल एंड फीमेल प्लेयर्स ऑफ द ईयर रेस्पेक्टिवली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द इंडियन नेवी साइंड एन MOU टू प्रमोट हाइड्रोजन ई मोबिलिटी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय नौसेना ने हाइड्रोजन ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिन्हें हम शॉर्ट में गेल कहते हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इंडियन नेवी ने ये MOU साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैंडेड ओवर अ स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टू द इंडियन नेवी एंड द MOU एम्स टू प्रमोट हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी फॉर हैवी ड्यूटी ई मोबिलिटी।
The collaboration was marked by a ceremony in the presence of Admiral Dinesh Kumar Tripathi, Chief of Naval Staff, and SM Ved, जो कि चेयरमैन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के. This initiative positions the Indian Navy as a pioneer in evaluating green hydrogen and fuel cell technology in collaboration with the Indian Oil Corporation Limited. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है. आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो CDSCO ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. आप यहां देख सकते हैं CDSCO फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इट रेगुलेट्स द इंपोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग्स अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940. इट कोलेबरेट्स विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी इफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स. इसके साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स, इसके साथ ही कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स इन द कंट्री एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस. तो आपने देखा CDSCO जो है ये इंडिया का नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इज द कोल प्रोडक्शन टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल ईयर 2024 एंड 2025. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2024 एंड 2025 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोयला उत्पादन लक्ष्य क्या है. आपके ऑप्शंस हैं 500 मिलियन टन, 750 मिलियन टन, 1000 मिलियन टन या फिर 1250 मिलियन टन. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ये टारगेट है 1000 मिलियन टन का. आप यहां देख सकते हैं द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अ कोल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 1080 मिलियन टन फॉर द फिस्कल ईयर 2024 एंड 2025. एज ऑफ जुलाई 19, 2024 कोल प्रोडक्शन हैज रीच्ड 294.20 मिलियन टन, मार्किंग अ ग्रोथ ऑफ 10.70% कंपेयर्ड टू 265.77 मिलियन टन ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर. सो द मिनिस्ट्री एम्फसाइजेस इंश्योरिंग एडिक्वेट कोल सप्लाई एट नोटिफाइड प्राइसेस फॉर द पावर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर. द मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज वर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड द अदर रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स टू सपोर्ट एनर्जी डिमांड्स एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच अमंग द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन अबोलिश्ड एज पर द रिसेंटली अनवील्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में जारी वार्षिक वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया. आपके ऑप्शन सही कॉर्पोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर एंजल टैक्स.
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो कर समाप्त किया गया है वो है एंजल टैग, आप यहाँ देख सकते हैं। द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण प्रपोज्ड टू अबॉलिश द एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड दिस मूव एम्स टू बोस्टर द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, बूस्ट द इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड सपोर्ट इनोवेशन। सो द एंजल टैक्स वॉज प्रीवियसली लेवाइड ऑन द कैपिटल रेज्ड बाई अनलिस्टेड कंपनीज वाया द इशू ऑफ शेयर्स वेयर द शेयर प्राइजेस वॉज सीन इन एक्सेस ऑफ देयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। सो दिस एवोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट्स इन टू स्टार्टअप फैसिलिटेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ताइवान स्ट्रेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इशूज। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ताइवान स्ट्रेट या ताइवान जलडमरू जो है वो निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके ऑप्शंस हैं फिशिंग राइट्स डिस्प्यूट, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, थर्ड है टेरिटोरियल सोवेरेनिटी डिस्प्यूट एंड फोर्थ बोथ वन एंड थ्री। ताइवान स्ट्रेट है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो बोथ वन एंड थ्री मतलब वो इम्पोर्टेंट होता है फिशिंग राइट्स डिस्प्यूट में उसका रोल होता है, इसके साथ ही टेरिटोरियल सोवेरेनिटी डिस्प्यूट में भी वो भागीदार है। आप यहाँ देख सकते हैं द ताइवान स्ट्रेट इज अ क्रिटिकल एरिया फॉर बोथ फिशिंग राइट डिस्प्यूट्स एंड टेरिटोरियल सोवेरेनिटी डिस्प्यूट्स। द स्ट्रेट रिच इन मरीन रिसोर्सेज इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन ताइवान एंड चाइना बोथ ऑफ विच क्लेम्स राइट ओवर इट्स वॉटर। सो द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ द स्ट्रेट ऑल्सो मेक्स इट अ फोकल पॉइंट इन ब्रॉडर टेरिटोरियल सोवेरेनिटी डिस्प्यूट्स एज इट सेपरेट्स ताइवान फ्रॉम द चाइनीज मेनलैंड। ताइवान स्ट्रेट की बात करें तो इट इज अ नैरो 130 किलोमीटर वाइड बॉडी ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स ताइवान फ्रॉम मेनलैंड चाइना एंड इट कनेक्ट्स द ईस्ट चाइना सी टू द साउथ चाइना सी। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।